ये पब्लिक और ये पब्लिक जीना मुश्किल कर दिया है पूरा ऑटो में, इतना 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 माथा खा रहा है। सो गाइज गुड मॉर्निंग। सो हम कल राइड करने के बाद हम आ चुके थे फालाकाटा में और अभी फिलहाल वहीं पे है। सो अभी रेडी हो रहे हैं, युतुदा भी रेडी हो रहा है, मैं भी रेडी हो रही हूँ। ये विंडो साइड का ये जगह मुझे बहुत पसंद आ रहा था तो अभी यहीं पे बैठ के मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से। तो फाइनली गाइज आज से हम लोगों का मेन जर्नी जो है वो होगा स्टार्ट और हम जाने वाले हैं आज अभी गुवाहाटी के लिए। ये जो रोड होगा ये मेरे लिए पूरा अननोन रोड है। अभी टाइम हो रहा है 8:05, उठ तो गए थे बहुत जल्दी। होटल जो है ये दिखा नहीं रहे क्योंकि एक नॉर्मल सा होटल है, एकदम 800 रुपये में रूम मिल गया था तो एक रात बिताने के लिए इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। सो निकलेंगे अभी तो देखते हैं जीतूदा क्या बोलते हैं, जीतूदा का जुआ नहीं देते हैं। आज तो बहुत एक्साइटेड हूँ, नया जगह, मैं भी कभी गुवाहाटी बाइक लेके नहीं गया, देखते हैं फर्स्ट टाइम रास्ता कैसे होगा। और आज के लिए एक्साइटेड है आप? आज तो माने मेन पार्टी तो अभी शुरू हुआ है, मेन पार्टी तो आज से शुरू हुआ है। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 9:01 और हम निकल चुके हैं टूवर्ड्स गुवाहाटी फालाकाटा से। तो सुबह निकलते ही धूप, बहुत ही तेज़ धूप, और फिलहाल निकले हैं तो थोड़ा सा ठंडक मिल रही है और बॉडी पूरा रेस्ट है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सामने संजीदा और उनकी वाइफ जा रही है और पीछे है जीतूदा, आप देख सकते हो। तो यस गुवाहाटी इज़ ऑन मैन, गुवाहाटी यहाँ से 284 किलोमीटर्स और टाइम लगेगा 6.5 घंटा। तो हाँ अभी तक ये वाला रोड तो ठीक है पर इससे पहले जो रोड था मतलब पूरा रोड खराब था, फिर से आ जाएगा शायद, पता नहीं। अलीपुरद्वार क्रॉस करते ही मिलेगा बहुत अच्छे से रोड, मक्खन वाला रोड। तो हाँ चलो ये छोड़ो यार, ये सब हटाओ, ये देखो और सामने ना दूर रेंज में पूरा पहाड़ दिख रहा है और ये देखो क्या आ गया बीच में, हट 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 हट। तो जी मक्खन वाला रास्ता क्रॉस करते करते हम आ चुके हैं नियर बोनगाई गांव। फिलहाल अभी कल की तरह वो हैट्रिक राइड नहीं है, ये बहुत ही स्मूथ राइड था और बहुत ही अच्छा गया। तो फिलहाल अभी रुके हैं थोड़ा सा रेस्ट, उसके बाद फिर से शुरू करेंगे जर्नी। तो चलिए बाकी मेंबर से भी मिल लेते हैं एक बार। राइड कैसा रहा? बहुत अच्छा, रास्ता तो बहुत अच्छा है। कल की तरह हैट्रिक रहा? नहीं नहीं एकदम मस्त राइड गया है। जीतूदा को देखते हैं, जीतूदा फेमस जीतूदा as always दाढ़ी वाली शेव कर लिया पूरा फाइन चिकना हो गया। कैसा लगा रास्ता बोलिए? ऑसम रोड, रास्ते का क्रेडिट दो मेरे को, ऑसम रोड बना के दिया हूँ तुम्हारे लिए। और ये दोनों पूरा रास्ता जो है ना झगड़ा करते करते जा रहे हैं और झगड़ा ही आपको दिखाएंगे जब लगेगा एकदम फाइनली। सो फिलहाल जर्नी बहुत अच्छा जा रहा है तो देखते हैं आगे का रास्ता क्या होता है। से बाय बाय कर दो, बाय कर दो। तो चलिए फिर से गोप्रो में मिलते हैं। गाइस हम गुवाहाटी अभी भी दिखा रहे हैं 248 किलोमीटर्स और आज हम लोगों का प्लान ये है कि असम में जो
कमाख्या का मंदिर है वहाँ पे थोड़ा पूजा देना है हम लोगों को, और उसके बाद थोड़ा चिल करेंगे गुवाहाटी में, शाम को थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे ऐसे ही, और उसके बाद सुबह, कल सुबह जाएंगे हम एक जगह, वो तो कल ही बताएंगे आपको, क्योंकि एक एक दिन आएगा, एक एक एडवेंचर आएगा, एक एक करके हम आपको बताएंगे, एक बार में तो नहीं बताएंगे भाई साहब। तो आज हम जा रहे हैं गुवाहाटी, गुवाहाटी से जाएंगे कमाख्या, कमाख्या पे पूजा देंगे। अगर पूजा का टाइमिंग हमको बता जा रहा है कि जल्दी बंद हो जाता है तो जल्दी जाने के लिए, तो देखेंगे, अगर नहीं होता है तो सुबह को पूजा देंगे, उसके बाद ही निकलेंगे, पर पूजा तो देना ही है। मंदिर दर्शन करेंगे, आपको भी दिखाएंगे, आपको भी दर्शन करवाएंगे। पहाड़ यार, सी द व्यू गाइस, दिस 2 दिन से लगातार ट्रैवल करने के बाद जब ये सब देखने को मिलता है, मतलब पहाड़ देखने के लिए आया, पहाड़ देखने को मिलता है, दिल खुश हो जाता है। ये तो कुछ भी नहीं है, आगे और भी मिलना है हमको। ग्रेट, बाइक को जो है 120 130 में चला रही थी तो मुझे पावर की कमी महसूस हो रही है बहुत इस जगह पे आगे, मतलब 120 130 भी कम हो रहा है। चलते चलते जब बहुत बोर हो जाओगे ना, मतलब ऐसा स्ट्रेच, एकदम लंबा स्ट्रेच चलाते चलाते एक टाइम के बाद बोर लगता है, जब इंटरनेट भी काम नहीं करता है, जैसे कि अभी उस रोड से, मतलब जब निकली थी तब से अभी तक इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। तो गाना सुन रही थी बीच में, इंटरनेट आया था शायद, अभी कुछ भी इंटरनेट नहीं है तो गाना भी सुन नहीं पा रहे, तो इतना लंबा रास्ता ना बहुत बोर लगता है एक टाइम के बाद, तो रिलैक्स करते हुए जाओ। पीछे मेरा जो शायद ये जो बैग है, टेल बैग, इसके ऊपर आराम से ऐसे एकदम चिल मार के बैठो, एक हाथ को रेस्ट दो, एक हाथ से चलाओ, और ऐसे रेस्ट करते हुए आराम से पहुँचो। थोड़ा ही करना, ज़्यादा मत करना। तो दोस्तों, सोचे थे तो कमाख्या में जाके पूजा देंगे शाम तक, लेकिन शाम तक मंदिर बंद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी बज रहा है 4:45 और अभी भी हमको 30 या 35 किलोमीटर्स मोर जाना है गुवाहाटी के लिए। गाइस, मेरे बाई तरफ पूरा पहाड़ है, ऊंचा पहाड़, और मेरा जो पेट्रोल है गाड़ी का वो ख़त्म होने के लिए आया है, एकदम रिजर्व में चल रहा है गाड़ी, पेट्रोल पंप कहाँ है पता नहीं चल रहा है। और ये रोड इतना खूबसूरत है, और ये पहाड़, वाओ, सूरज डूबते टाइम पहाड़ क्या खूबसूरत लगता है यार। देखो गाइस, सूरज डूब रहा है और इस तरफ पहाड़ का रंग देखो, पूरा गोल्डन लग रहा है, पूरा गोल्डन। गोप्रो में शायद गोल्डन आ नहीं रहा होगा, ब्लैक आ रहा होगा, पता नहीं कैसा आ रहा है, पर पूरा गोल्डन लग रहा है, गोल्डन गोल्डन माउंटेन। पहाड़ के नज़ारे यार, सूरज को देखो, देखा, मतलब मुंडी में हिला नहीं सकती हूँ इस तरफ पूरा, तो जितना हो सका उतना ही दिखाया। जी, हम पहुंच गए गुवाहाटी सिटी और आके ट्रैफिक में फंस चुके हैं फाइनली। अभी टाइम हो रहा है 4:30, सो हम पहुंच चुके हैं गुवाहाटी। गुवाहाटी मस्त है, कोई थकान नहीं है, कुछ भी नहीं है, आराम से आए हैं। होटल में जाएंगे, फ्रेश होंगे, थोड़ा सिटी को घूमने निकलेंगे रे बाबा। मेरा गाड़ी अभी भी रिजर्व में ही है, ठीक है, सामने से पेट्रोल भरवाएंगे गुवाहाटी से भाई साहब। सी पहाड़, पहाड़ में घर, सामने भी पहाड़, इधर भी पहाड़, चारों ओर पहाड़, वाओ। हाँ, कोलकाता, बंगाली, हमारा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, अरुणाचल, अच्छा,
गुवाहाटी में पहुंच के पेट्रोल का जो दाम है वो है 97.2। ओह माय गॉड, 10 रुपये कम है ना। 106 होता है हमारे वहाँ पे, और पिछले बार भी 106 भरा है इतना देर तक, और यहाँ पे आके 97 रुपीज़। हाँ, अरुणाचल में 100। वाह, अभी टाइम हो रहा है 5:06, और अभी हम गुवाहाटी में होटल की तरफ जा रहे हैं। होटल थोड़ी देर पहले हमने बुक कर लिया था, सो अभी उसी तरफ जा रहे हैं। और रास्ते का जैम, माय गॉड, पूरा जर्नी में जो थकावट नहीं हुआ ना वो ये आधा घंटे का जो जैम लगा इसमें निकल गया पूरा। चलो आ गए हैं और थोड़ा बहुत और पहुंच जाएंगे होटल, फिर होटल में जाके मिलते हैं आप लोगों से। अभी तो होटल में जाके ही मिलेंगे, उससे पहले नहीं, ठीक है। पहुंच चुके हैं होटल और ये है कंफर्ट स्टे क्वार्टी में। ओह नाइस, यही होटल पसंद आ गया, इसमें पार्किंग भी है तो आराम से। हेलो, तो ये रहा हम लोगों का रूम। मस्त रूम है ये भाई, बाथरूम। मुंह का हालत खराब है, मुंह पे मत जाइएगा प्लीज। राइट, ये इंसान झगड़ा सिर्फ झगड़ा करने के अलावा कुछ नहीं करता। नहीं करता हूँ झगड़ा अपने आप आ जाता है मेरे पास। का सिचुएशन कोई और क्रिएट करता है, और नाम मेरा होता है ये। गौर से देखो, गौर से देखो इस चेहरे को। दोस्तों अभी हम चलेंगे कौन सा मार्केट, फैंसी मार्केट चलेंगे, और फैंसी मार्केट चलने के लिए फैंसी बाजार जाएंगे, इंडियन हो। अच्छा, फैंसी बाजार जाएंगे, और फैंसी बाजार जाने के लिए जीतू दा का ऑटो लेके जा रहे हैं, ठीक है। जीतू दा का ऑटो देखना है तो रुको, दिखाते हैं जीतू दा का ऑटो। ये ऑटो में हम जाएंगे अभी, तो चलो मार्केट में जाते हैं और मिलते हैं। तो ये है गुवाहाटी का जैम, जैसे कि आप देख रहे हो। इतना जैम रहता है? नहीं, आपके वहाँ पे तो फ्री रहता है पूरा रास्ता। तुम्ही तो बड़ा बाजार फास्ट टाइम जाओ ना। फिर से झगड़ा शुरू इन लोगों का झगड़ा। चुके रूम पे और राइड करके आ गए थे 5 या 5:30 बजे तक। उसके बाद निकल गए थे थोड़ा गुवाहाटी के मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। मार्केट में जाके जीतू दा ने एक ऑटो वाले को थप्पड़ मार दिया। हाँ, स्पेशल आदमी, स्पेशल बातें। तो थप्पड़ वप्पर मार के चलाया, और आते टाइम एक ऑटो ड्राइवर पूरा टांटू गा के शांटू हो गया था, तो मुद्दों बन गया। तो ये सब हम लोगों का चला, आज दिन अच्छा गुजरा, राइड अच्छा गया, तबीयत भी ठीक ठाक है, और हम लोग शॉपिंग भी किए। हाँ, ये देखो दीदी का मेकला, हम लोग मेकला है, साड़ी है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ खरीद लिया दीदी ने। तो गाइस आज का जो वीडियो है आज के लिए यही तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे कल। कल कहाँ पे जा रहे हैं, आपको बोला था हम जा रहे हैं सुबह सुबह कामाख्या मंदिर में पूजा देने के लिए। उसके बाद कहाँ जा रहे हैं वो रहेगा सरप्राइज, वो आप उसको देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। यस, और अभी तक अगर आपने वीडियो को देख लिया है तो एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।